प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार देर रात चार अफ्रीकी देशों मोजाम्बिक दक्षिण अफ्रीका तंजानिया और कीनिया के पांच दिन की यात्रा पर रवाना हो गए। मोदी आज सुबह 9:30 बजे मोजाम्बिक की राजधानी मपुटो पहुंचेंगे, यहां उनका पारंपरिक ढंग से स्वागत किया जाएगा। कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी पर अली अनवर की सफाई, कहा मैंने कोई गलत बयानी नहीं की। घूसखोरी केस में फंसे केजरीवाल के प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार को उनके पद से किया गया सस्पेंड। केजरीवाल के प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार की बढ़ सकती है मुश्किलें, पूर्व सहयोगी रहे अशोक कुमार ने कबूली घूस लेने की बात। एसीबी ने कपिल मिश्रा पर लगाया जांच में सहयोग नहीं करने का आरोप, कहा गलत बयान दे रहे हैं दिल्ली के मंत्री। अब मुश्किल में फंसे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता आशीष खेतान, पार्टी के घोषणा पत्र की तुलना पवित्र ग्रंथ से करने पर अमृतसर में FIR दर्ज। यूथ मैनिफेस्टो में आम आदमी पार्टी के चुनाव चिन्ह झाड़ू के साथ स्वर्ण मंदिर की तस्वीर को लेकर भी बवाल, अमृतसर में धार्मिक भावना भड़काने का केस दर्ज। आम आदमी पार्टी की मान्यता रद्द करने के लिए चुनाव आयोग में की गई शिकायत, अवनीत नाम के शख्स ने धर्म के नाम पर वोट मांगने का लगाया आरोप। खाद्यान्न घोटाले के आरोपों की जांच के लिए अमेठी जाएगी केंद्रीय टीम, खाद्य आपूर्ति मंत्री रामविलास पासवान बोले 3 महीने में रिपोर्ट देगी जांच टीम। जांच के घेरे में इस्लामिक प्रचारक जाकिर नायक, पीस टीवी पर जाकिर के पिछले 90 दिनों के भाषण की होगी जांच, अगर भड़काऊ भाषण पाए गए तो होगी कार्रवाई। जाकिर के भाषणों पर सुरक्षा एजेंसियों की पैनी नजर, गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू बोले आतंक के खिलाफ ठोस रणनीति पर चल रहा है काम। नमामि गंगे की 300 परियोजनाएं आज 5 राज्यों में एक साथ होगी लॉन्च, नितिन गडकरी और उमा भारती परियोजनाओं को करेंगे लॉन्च। गौ हत्या रोकने के लिए बड़ा कदम उठा सकती है हरियाणा सरकार, होमगार्ड की तर्ज पर बनाया जा सकता है गौ रक्षक टास्क फोर्स। डिब्रूगढ़ में हादसे का शिकार हुई असम के CM के काफिले की कार, एक सुरक्षाकर्मी घायल। आतंकी हाफिज सईद ने उगला जहर, कहा अमेरिका और भारत मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध का साजिश रच रहे हैं। लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में हाफिज सईद ने कहा कि अमेरिका मुस्लिम देशों के बीच फूट डालने का काम कर रहा है। पश्चिम बंगाल में भी धरे गए ISIS के 2 संदिग्ध आतंकी, राज्य CID ने वर्धमान और वीरभूम से मूसा और कालू नाम के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आतंकी अलर्ट के मद्देनजर पश्चिम बंगाल के वर्धमान पुलिस ने कल लोकल क्लब में 107 बम बरामद किए, छापेमारी के बाद ड्रम और कंटेनर में मिले बम। लश्कर ने सेना और पुलिस के मुखबिरों को दी खुलेआम धमकी, घाटी में मस्जिदों के बाहर पोस्टर लगाकर लिखा मार दी जाएगी गोली। गुड़गांव के चर्चित गैंगस्टर संदीप गरौले एनकाउंटर मामले में गुड़गांव पुलिस के सब इंस्पेक्टर प्रद्युम्न में गिरफ्तार, मुंबई पुलिस के SRA टीम ने किया गिरफ्तार। आरोपों के मुताबिक मुंबई के एक होटल में 7 फरवरी को किया गया एनकाउंटर फर्जी था और पूरी साजिश के तहत किया गया था। दिल्ली में द्वारका में पंखे से लटककर एक महिला ने की खुदकुशी, मायके वालों ने पति पर लगाया हत्या का आरोप। दिल्ली से सटे नोएडा में वाहन चोर गैंग के 2 सदस्य गिरफ्तार, चोरी की 15 बाइक 10 स्पोर्ट्स साइकिल बरामद, अब तक कर चुके हैं करीब 1000 साइकिल की चोरी। यूपी के जौनपुर में युवाओं को अगवा कर खून निकालने का सामने आया मामला, पुलिस मामले की जांच में जुटी। दिल्ली में महिलाओं को अश्लील मैसेज भेजने वाले एक शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया, आरोपी के शख्स ने करीब 1500 महिलाओं को मैसेज किया। सोनीपत की एक कत्था फैक्ट्री में गैस रिसाव से 3 मजदूरों की मौत, मालिक के खिलाफ केस दर्ज। उन्नाव में एक तरफा प्यार में आशिक ने नाबालिग लड़की की गोली मारकर हत्या की, लोगों ने आरोपी को जमकर धूना, पुलिस के हवाले किया। हरियाणा के गोहाना में हॉरर किलिंग मामले में पुलिस ने लड़की के माँ बाप और बड़ी बहन को किया गिरफ्तार, दूसरी जाति के लड़के से प्रेम के चलते परिवार ने डंडों से पीट कर किया था। यूपी के रामपुर में दबंगों ने एक नाबालिग लड़की से रेप के बाद उसके घर वालों से की मारपीट, एक आरोपी गिरफ्तार, पुलिस जांच में जुटे। मुंबई में सड़क के गड्ढे भरने के लिए BMC चीफ ने दिया 48 घंटे का वक्त, छुट्टी के दिन भी काम करते दिखे लोग। सिंगर मीका सिंह के घर की CCTV तस्वीरें आई सामने, CCTV में मीका के घर में खिड़की से अंदर जा रही है फैशन डिजाइनर। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में एक बस ड्राइवर को कुछ लोगों ने जमकर धूना, ड्राइवर ने 20 सड़क से इन लड़कों को हटने के लिए बजाया था हॉर्न, ड्राइवर अस्पताल में भर्ती। पुणे में मंगलवार को 3 महिलाओं को कार से टक्कर मार कर फरार होने वाली महिला को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अमृतसर के खलचिया में HDFC बैंक का ATM तोड़कर 19 लाख रुपए के कैश ले उड़े चोर, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू किया। मध्य प्रदेश में रीवा के पूर्वा वाटरफॉल में पिकनिक मनाने गए 5 लड़के फंसे, 4 को बचाया गया, 1 लापता। लगातार हो रही बारिश और पूर्वा कैनाल के 3 गेट एक साथ खोले जाने से बड़ा जलस्तर, हादसे पर CM शिवराज ने ट्वीट कर जताया दुख।
मध्य प्रदेश के सतना में बारिश ने बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए। घरों में पानी घुस गया, लोग कमर तक पानी में डूब कर जा आ रहे हैं। देश भर में मनाया जा रहा है आज ईद का त्यौहार। दिल्ली के जामा मस्जिद इलाके में बड़ी तादाद में जुटे नमाजी। वाघा बॉर्डर पर दिखी ईद की रौनक, आपस में गले मिले बीएसएफ जवान और पाक रेंजर्स। अमेरिका में लुसियाना के बैटन रोग में पुलिस वालों ने अश्वेत कुमारी गोली, मोबाइल में कैद हुई वारदात। पुलिस गोली से अश्वेत की मौत पर लुसियाना में भड़का लोगों का गुस्सा, सड़कों पर लोगों ने किया प्रदर्शन, पुलिस ने दिया जांच का भरोसा। अफगानिस्तान से इस साल अपनी फौज नहीं हटाएगा अमेरिका, ओबामा ने कहा कठिन बने हुए हैं अफगानिस्तान के हालात। चीन के यूनान प्रांत में भारी बारिश के बाद सैलाब और भूस्खलन से 5 लोगों की मौत, 60,000 लोग बारिश से प्रभावित। अमेरिका के मानसोटा में बारिश तूफान से भारी तबाही, तूफान के उसरने के बाद शुरू हुआ सफाई का काम।